हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला फ्राई। और यकीन मानिए, ये बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ही, लेकिन खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। बड़े से लेकर बच्चे तक सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर भिंडी मसाला फ्राई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भिंडी मसाला फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी ली है। तो मैं यहाँ पर बड़े साइज की भिंडी का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे साइज की भिंडी भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि भिंडी जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर सभी भिंडी का आगे और पीछे का हिस्सा निकाल दूंगी। आप चाहें तो सिंगल भिंडी को लेके भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से 4-5 भिंडी को एक साथ लेके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से बंच में लेके निकालते हैं तो ये थोड़ा सा ईजी और टाइम सेविंग हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर सभी भिंडी के 1.5 से 2 इंच के टुकड़े कर लूंगी, ये देखिए कुछ इस तरह के। इसके बाद अब हम सभी टुकड़ों में इस तरह से कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इनमें मसाला फिल करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रेड चिली पाउडर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, जितना आप तीखा खाते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर का यूज़ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर पे ये अवेलेबल हो। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि जिस तरह से हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, वैसे आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दें। पर मसाले में ऐड ना करें, जब हम तड़का लगाएंगे वहाँ पर आप ऐड करें। अब हम इस तैयार मसाले को जो हमने भिंडी काट के रखी थी उसमें फिल कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। 2 खड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ग्राइंड, अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 2 से 3 रफली कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1/4 चम्मच हींग, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम जो हमने भिंडी में मसाला फिल करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो गैस की फ्लेम है वो लो होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। बीच बीच में चलाते रहें ताकि सब्जी जो है वो तले से चिपके नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को 5 से 7 मिनट पका लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मसाला हमने तैयार किया था और भिंडी में फिल किया था, वो मेरा थोड़ा सा बच गया है तो मैं उसे अब ऐड कर रही हूँ। अगर आपका नहीं बचा है तो आप स्किप कर दें, और अगर बचा हुआ है तो ऐड कर दें। दोबारा से ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो भिंडी है वो अच्छे से पक चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी टेस्टी टेस्टी भिंडी मसाला फ्राई बनकर तैयार है। आप इस सब्जी को 2 से 3 लोगों को सर्व कर सकते हैं, और इसे बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। आप इस भिंडी मसाला फ्राई को पूरी, रोटी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल रेसिपी अड्डा बाय मेघा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।